हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग विद स्वाति। और मैं हूँ स्वाति। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ एवरी मंडे एंड फ्राइडे वीक में दो बार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक वेलवेट स्टाइल वाले जंपसूट को मल्टीपल वेज में कैसे स्टाइल करें। और मैंने जंपसूट को स्टाइल करने के लिए एथनिक, कैजुअल एंड फॉर्मल तीनों टाइप के लुक्स को क्रिएट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने अपने फर्स्ट लुक को एथनिक टच दिया हुआ है, क्योंकि फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन चल रहा है। तो मैंने ब्लैक जंपसूट आपका हमेशा फैशन में रहता है, तो मैंने जंपसूट को ही मल्टीपल वेज में स्टाइल किया। तो फर्स्ट लुक में मैंने इसको एथनिक वेज से स्टाइल किया। एथनिक वेज से इसको स्टाइल करने के लिए मैंने थोड़ा इंडो वेस्टर्न टच दिया हुआ है। तो मैंने जंपसूट के ऊपर से उसको कंट्रास्ट दुपट्टे को साड़ी की तरह ड्रेप किया एंड इंडो वेस्टर्न टच देना है, तो इसलिए मैंने उसमें बेल्ट को ऐड किया है, जो हमारे वेस्ट लाइन को भी डिफाइन कर रही है। और जो हमारी ज्वेलरी है, जो झुमके हैं, उनको मैंने दुपट्टे के कलर कॉम्बिनेशन में गोल्डन सेलेक्ट करके, और उसमें सेम उसी तरह का कलर कॉम्बिनेशन है जैसा मेरे दुपट्टे में। और बैंगल्स को थोड़ा हैवी सेट बनाया हुआ है, जो हमारे एथनिक टच दे रहा है। और जूती को सेलेक्ट किया है दुपट्टे के अकॉर्डिंग, और एक मांग टीका भी लगाया हुआ है। तो मांग टीका कैसे बनाया हुआ है, उसका ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इंडो वेस्टर्न स्टाइल से ये वाला लुक रेडी किया है। फ्रेंड्स, मैंने अपने नेक्स्ट लुक में जंपसूट को स्कार्फ के साथ स्टाइल किया और अपनी वेस्ट लाइन पर एक बेल्ट को ऐड किया, जिससे हमारा लुक थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर में और भी ज़्यादा हाइलाइटेड हो रहा है। और फुटवेयर की बात करें तो फुटवेयर में मैंने वैली को वियर किया हुआ है, जिससे हमारा जो लुक है वो थोड़ा सा ऑफिस टाइप का लुक रेडी हो रहा है। इसको आप ऑफिस में भी या नॉर्मल भी रेडी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने लुक को पूरा स्मार्ट टच दे सकते हैं। स्कार्फ जो है वो हमारा ऐड करने से और भी ज़्यादा स्टाइलिश लुक रेडी हो गया है, तो स्कार्फ करना ज़रूरी है, इसलिए आप एक दो इस टाइप के स्कार्फ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने नेक्स्ट लुक में जंपसूट को बूट के साथ स्टाइल किया है, विंटर को ध्यान में रखते हुए। और वैसे भी मेरा जो जंपसूट है वो वेलवेट का है, तो वेलवेट जो होता है वो विंटर्स के लिए बेस्ट है। तो मैंने इसमें डेनिम जैकेट को ऐड किया हुआ है। और एक्सेसरीज की बात करें तो फ्रेंड्स, मैंने स्कार्फ को एज ए हेडबैंड लगाया हुआ है, और इस तरह से मेरा एंटायर लुक रेडी होता है। और फ्रेंड्स, हाँ, जैकेट मैंने ये खुद स्टिच किया हुआ है, खुद डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह से फ्रेंड्स, ये मेरा कैजुअल लुक रेडी होता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने नेक्स्ट लुक में जंपसूट को बूट के साथ अगेन स्टाइल किया हुआ है, और इसको मैंने लेयरिंग किया है एक एथनिक श्रग से। और ये श्रग जो है हमारा बिल्कुल कंट्रास्ट है, जो ब्लैक के साथ बहुत ही अच्छा मिक्स एंड मैच हो रहा है। और मैंने ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी को पूरी तरह से अवॉइड किया है, बस एक स्कार्फ को एज ए हेडबैंड यूज़ किया हुआ है, जो मेरे पूरे लुक को और भी ज़्यादा स्टाइलिश और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फ्रेंड्स, मैंने अपने नेक्स्ट लुक में प्योर फॉर्मल लुक रेडी किया हुआ है। इसमें बड़े बड़े हुप्स को वियर किया हुआ है, और घड़ी को वियर किया हुआ है, और वेस्ट पे बेल्ट को ऐड किया हुआ है, जिससे हमारी वेस्ट लाइन परफेक्ट तरह से डिफाइन हो। और एक रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, जो हमारे बेल्ट के साथ परफेक्ट मैच हो रहा है, मैंने एक रेड कलर का ब्लेजर वियर किया हुआ है, जो हमारा फॉर्मल लुक दे रहा है पूरी तरह से। और फुटवेयर में मैंने वैली यूज़ किया हुआ है। इस तरह से मेरा एंटायर लुक पूरा रेडी होता है। इसको हम फॉर्मल लुक भी कह सकते हैं। Thank you.
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा कौन सा लुक अच्छा लगा, और आप मुझे प्री अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड पिंटरेस्ट पर। मेरा हैंडल है स्वैग विद स्वाति। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।